शाम को क्लास 10 का बोर्ड रिजल्ट का बोर्ड का एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया और सबको शायद पता होगा कि हमारे स्कूल ने 98% जो बच्चों का पास परसेंटेज है वो 98% है। और सबसे खुशी की बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो फर्स्ट 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, वो सारे अपने स्कूल के बच्चों ने हासिल किया है। जो उनको जोरदार तालियों से हम इनको फेलिसिटेट करने के लिए छोटा सा एक हमने मतलब टोकन ऑफ लव, कोई गिफ्ट नहीं है ये, कोई और कोई चीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्कूल के तरफ से मैनेजमेंट जाफ्रे स्कूल के टीचिंग, नॉन टीचिंग और जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों की तरफ से उनके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है तो उनको हम देंगे अभी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो क्लास 10th में बच्चे हैं उनको भी कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाए और अच्छे मार्क्स से पास हो। तो उसके लिए क्या है, सिर्फ एग्जाम का डेट शीट निकलेगा, उसके बाद अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो उससे हमें कोई चीज हासिल नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अभी से ही हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए हो, चाहे 11th के लिए हो, चाहे क्लास 12th के लिए हो, अभी से हमें तैयारी करना है। तो उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है। और क्या क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और कंसिस्टेंसी, ठीक है। अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे एक पेज मेंटेन करके, तभी जाके हम बाद में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लास्ट में एग्जाम आया तभी पढ़ेंगे, फिर टेंशन के मारे फिर जो भी याद करेंगे वो फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है, समझ में आया। तो अभी सबसे पहले मैं क्लास 11th के बच्चों को, जरा क्लास 11th के बच्चे जरा एक बार खड़े हो जाए, क्लास 11th के सारे बच्चे जो अपने स्कूल के हैं और जो बाकी बाहर के स्कूल से जिन्होंने एडमिशन लिया है और अपने प्रोजेक्ट क्लियर के बच्चों बच्चे जो कि यहाँ पे वो सारे खड़े हो जाएंगे। क्लैप करो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहला नमाज नियंता अंजाद देती। अगर कतो बोर्ड एग्जाम है अच्छा मार्क्स स्कोर बस सामना ठीक बस से पहला एनसीईआरटी सिल एनसीईआरटी में ठीक बस से उम्र रोशन का हर चीज देखना। दूसरा पॉइंट जान की मेहनत को सचा मिशा प्रेजेंट में तरीके का काफी मैटर सर मेहनत न सा बस सोची ने आंसर ला रखा न सा ना सोची। अब ये हम लोग फर्क पुगार मजबूना यार इस पेपर पर कुछ बस जबीन दो एग्जामिनर पर यार आउट होने में यार पेपर पर पहुंचने दे यार इस जरूर पेपर पे उनका कुछ बस बीस दो ओले का पता है चीन एग्जामिनर को छाना ओले वाजा उसका खार दिमाग इस फर्ना मार्क क्या नहीं हो सकता। सुन अब दूसरा तैयारी ना डायन ना बार गोशिन जस्वना टेंथी सेल्वस पब्लिक ग्रॉड रियल पैनाइन लसी छाना टेंथ खारिकी से गेम्स पब्लिक कम रिवाचन मतलब मान ऐसे चमचे मतलब कम रिवाचन है दूसरा जरूरी है तिपला छाना दिया इनकी कंसिस्टेंसी नंबर सिलचा हार्डवर्क ना बार गोशिन दोना पेपर्स भी सना एयर दे ध्यान मता मारा है पेपर पोजिशन कंसंट्रेट वाशिक रहा है पेपर पे कच्ची बस फोकस नंबर वाशिक हार्डवर्डी मार वाशिक दूसरा क्या लिखता है क्या करता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो छाना सबसे जरूरी की रातें जल्दी वे कोशिश हम टाइम मैनेज वे कोशिश वे चक्कर हम रातें क्वेश्चन को आठ बस नहीं सिल वाला छाना हम क्वेश्चन को रजाशी खो स्कोर रेटी सोचें रातें आंसर पमती रखते रोज दिस सोचें दो चार दो सही जिस पर आओ छाना हो जाए हम टाइम वेस्ट वे चक्कर हम टाइम जल्दी फिनिश चक्कर हम रातें क्वेश्चन पूछी वासी में बचा ठीक पास टाइम था से क्वेश्चन को एक दो बार रीड बचा ठीक है ना आंसर कुछ बचा शॉर्ट सेंटेंस सेंस बचा मंगो सेंटेंस से छो पैराग्राफ से जिसमें हो चाहे पॉइंट पॉइंट्स भी कोशिश बचा छाना ज्ञान मिनिया अंतर सा बाकी मंजिल वासी शिक्षा।